एक दुकान पर डाक विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कई धमकीजनक उसमें संदेश थे और कई आपत्तिजनक उसमें टिप्पणियां थी। उनको देखते हुए पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से उसमें उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। बहरहाल उसमें अभी तक की जानकारी के आधार पर जो उसमें प्रारंभिक तौर पर जिसके नाम से धमकी दी गई थी पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक की जो जाँच है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति ने, जिससे शायद उसकी दुश्मनी रही होगी या झगड़ा रहा होगा, उसने उसका इस्तेमाल और मोबाइल नंबर और उसकी पूरी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए पत्र लिखा है। बहरहाल पुलिस उस व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है और जो संदिग्ध जिस कुछ और लोगों से जिसका विवाद था, जिसकी संभावना ज़्यादा है, उन व्यक्तियों पर पुलिस लगातार जानकारियाँ निकाल रही है। आने वाले लगभग कुछ 8-10 घंटों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे टोटल कितने नाम उसमें पत्र में? पत्र में एक व्यक्ति का मुख्य तौर पर नाम है जिस व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल लेकर के पूछताछ भी शुरू कर दी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य कि सही व्यक्ति तक पहुंचा जाए, सही व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो पहलू हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, पुलिस ने उस पर नज़र रखी है। इसमें अगर किसी व्यक्ति से विवाद है और उसने इस सूचनाओं का दुरुपयोग करते हुए अगर किया है तो वास्तविक व्यक्ति कौन है पुलिस वहाँ तक पहुँचेगी और पहुंच करके इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। बहरहाल पुलिस ने उन सारे तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही सही आरोपी पुलिस की हिरासत में। सर, अपने रतलाम विधायक का भी नाम लिखा है उसमें, नामों का इस्तेमाल किया गया है, नामों का प्रेषक में किसी और का नाम है, भेजने वाले में अंदर किसी और का नाम है, लेकिन पुलिस सिर्फ जो भ्रामक नाम है उस पर ना जाकर के पुलिस की कोशिश है कि उसमें किस व्यक्ति ने इस तरह की पत्र आपत्तिजनक पत्र लिखा है, तो उस पर पुलिस जांच करेगी और जो दंड जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, जिस व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ से चल रही है, सर वो कौन है, क्या करता है? वो व्यक्ति वहाँ पर जो इलाके में एक गुरुद्वारा है वहाँ पर उस व्यक्ति का वहाँ पर काम करना कुछ समय पहले पाया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों से विवाद होने की भी जानकारी है, जो आपसे कुछ छोटे मुद्दों पर कुछ विवाद हुआ था, तो इसमें इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जिन लोगों से कुछ विवाद रहा हो उन्होंने इस व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल किया हो, लेकिन पुलिस की अंतिम कोशिश है कि सही नाम सामने आए और व्यक्ति पुलिस उसकी तह तक पहुंचे और पुलिस उसके लिए पर्याप्त करे। जो कड़ियां हैं पुलिस एक एक कड़ियों को खंगाल रही है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही है। सर, क्या कुछ सीसीटीवी वीडियो वगैरह के फुटेज और वीडियो में अभी उसमें बहुत कोई प्रमाणिक तथ्य भी नहीं आए, लेकिन पुलिस ने वीडियो फुटेज और डाक विभाग की भी मदद ली है, इंडियन पोस्टल जो डाक विभाग है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो उससे जुड़ी जो विभिन्न तथ्य पुलिस उन पर भी नजर रखे हुए। क्या सर कहा, क्या माना जाए कि शरारती तत्व द्वारा किया गया है या कोई साजिश? प्रथम दृष्टया जो भी शरारती तत्वों के द्वारा भी की गई हो तो पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और इसे पुलिस उस कड़ी तक उस तह तक पहुंचेगी और जिसने भी ये साजिश की है, जिसने भी इस तरह का पत्र लिखा है, पुलिस उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेगी।